हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको अजमेर के साई बाबा मंदिर लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ये अपने रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, चंद्रवरदाई रोड पर। इसका निर्माण सन 1999 में 1999 में सुरेश लाल जी ने करवाया था, और इसके अंदर संगमरमर के पत्थरों से इसको तराशा गया है। पूरा अंदर से मार्बल का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है ये। अगर आप अजमेर आओ तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, इसे चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पे सभी धर्मों के व्यक्ति और दूर दूर से भी सब लोग आते हैं। ये मंदिर का मेन गेट है। पूरे मंदिर में इसमें संगमरमर के मार्बल आदि पत्थरों से ये बना हुआ है। इस मंदिर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाती है। इसके अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सो फ्रेंड, आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, चंद्रवरदाई रोड पर साई बाबा मंदिर है। और 1999 में इसका निर्माण हुआ था, निर्माण कार्य चला था 1999 में। सुरेश लाल जी के अनुसार इसका कार्य चला था, उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। आप देख सकते हैं ये मंदिर, ये पीछे का निकासी द्वार है मंदिर का। यहाँ पे हर गुरुवार को प्रसाद का आयोजन किया जाता है, उसमें चावल इत्यादि, पूरी सब्जी, प्रसाद दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया मंदिर है ये। इसकी सुंदरता अंदर से बहुत बढ़िया है, पूरा मार्बल का बना हुआ है। साईनाथ मंदिर है ये अजमेर का, प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे इंडिया में सिर्फ दो ही मंदिर है, एक तो शिरडी का साईनाथ और एक ये अजमेर का चंद्रवादाई रोड पे स्थित साई बाबा मंदिर। ये आप देख सकते हैं, ये बाहर यहाँ पे शादी पार्टी के भी होता है। ये अंदर की ओर शिव जी का मंदिर है, एक भोलेनाथ जी का मंदिर है, यह भी बहुत बढ़िया मंदिर है। इसके दो रास्ते आने के, एक पीछे की ओर से जो कि तारागढ़ से सीधा एक रोड आता है अंदर की ओर, वही मार्ग है इसका। ये देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया मंदिर है ये। पूरा अंदर से संगमरमर के मार्बल से तराशा हुआ है। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। ये बाहर का थोड़ा मैदानी इलाका है। देख सकते हो वो मार्ग है एक आने का, जो रास्ता है सामने से दिख रहा है, वो अजय नगर की ओर से आता है। सो फ्रेंड, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद।